Why is it so bloody untidy around here? Soft, Guru, jaldi! Yes, sir. सर ये तो कोई गुरुद्वार का रास्ता लगता है। हमें अंदर जाने का मार्ग मिल गया। हे भगवान, क्या हुआ? लगता है भूस्खलन हुआ है। अब हम क्या करेंगे? जल्द से जल्द झांसी पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही था। यदि हम दूसरे रास्ते से गए तो झांसी पहुंचने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। हमें किसी भी तरीके से झांसी पहुंचना ही होगा। हमें इसी ही रास्ते से झांसी जाना होगा। इन पत्थरों को यहाँ से हटाना ही होगा। चलो साथियों। या मेरे मौला, मेरी मल्लिका मौजिमा को हिफाजत से रखना। रास्ते की रुकावटें गौस खान को झांसी पहुंचने से नहीं रोक सकते। भाई साहब, नहीं, धैर्य रखिए आप। मिस नेल्सन को इसकी धृष्टता का दंड अवश्य मिलेगा और ये मेरा वचन है आपसे।
किले के द्वार के नीचे देखी है। सीधी थाल मतलब नेसन साहब मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। संदेश वाहक अंदर भेजो। इस मैसेज को सही जगह पहुंचाना। राव दुलाजू, हमने महल में दाखिल होने का सीक्रेट टनल खोज लिया है। वो पैलेस के किचन से झांसी सिटी में निकलता है। तुम उस रास्ते से लक्ष्मीबाई, तात्या और रघुनाथ को महल में भेजो और जैसे ही वो अंदर आएंगे हम उनका काम तमाम कर देंगे। उस टनल में जो जो रानी के साथ आएगा उसका सर काट कर अलग कर देंगे। महारानी साहब, किले में कैसे प्रवेश करें एक अद्भुत युक्ति। दुलाजो, पहले महारानी साहब को अपने विचार व्यक्त करने दो। तुम्हारे और महारानी साहब के विचार में बहुत अंतर है। हमने किले में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढ लिया है। कौन सा महारानी साहब? वर्षों पहले हमने महल के रसोई से एक गुप्त मार्ग ढूंढा था जिसका अंतिम छोर झांसी के नगर में जाता है। हम उसी मार्ग से जाएंगे। ये काम तो अपने आप हो गया। लगता है मौत बुला रही है आपको रानी। किंतु महारानी साहिबा, आपका वहां अकेले जाना उचित नहीं होगा। आप अपने साथ रघुनाथ को या तात्या टोपे को ले लें। नहीं राव दुलाजू जी, हम अकेले ही जाएंगे। पाते गुरु, आप रघुनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के साथ झांसी नगर में सावधान रहिएगा। महल में बैठे अंग्रेजों को सब कुछ सामान्य दिखना चाहिए। उसी बीच हम गुप्त मार्ग से जाकर महल में प्रवेश कर जाएंगे और एक बार प्रवेश करने के बाद हम आपको संकेत देंगे। उसके बाद हम द्वार खोल देंगे और आप सब अंदर आ जाइएगा। भाई साहब क्षमा कीजिएगा, किंतु राव दुलाजू की बात विचार करने योग्य है। आप हम में से किसी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? ठीक है, हम अपने साथ राव दुलाजू जी को ले जाएंगे। मैं? क्या हुआ? उस टनल में जो जो रानी के साथ आएगा उसका सर काट कर अलग कर देंगे। आपको किसी बात की चिंता है? कोई परेशानी है? नहीं नहीं महारानी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस क्या है कि सामान्य धरातल से नीचे जाने पर हृदय की गति अचानक तेज हो जाती है। कुछ नहीं होगा, हम उस सुरंग में बहुत बार जा चुके हैं।
हम उस सुरंग से जाएंगे और शीघ्र ही अपने महल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है महारानी साहब, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। तो फिर ठीक है, आप सब आक्रमण की तैयारी कीजिए। अब बहुत जल्द हमारा किला हमारे अधिकार में होगा। हर हर! जल्दी से ताबीज दो। नेल्सन साहब, अपनी योजना रोक दीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मैं आ रहा हूँ, शीघ्र रोक दीजिए। राव दुलाजो, राव दुलाजो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? नहीं रघुराज सिंह, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही कुछ देखने आया था। महारानी साहब आपको याद कर रही है, चलिए यहाँ से। आ रहा हूं, आप चलिए। तुम सब झांसी के सिटीजंस के बीच में मिल जाओ और जैसे तुम सब को इंस्ट्रक्शंस दिया गए वही करो। ओपन इट। भाई साहब, जब ये रेत दूसरी ओर पहुंच जाएगी तो आप किले के प्रवेश द्वार खोल दीजिएगा। अवश्य ताते गुरु। इस गुप्त रास्ते से हमें अंदर जाने में कुछ ही पल लगेंगे, उसके बाद हम महल के द्वार खोल देंगे और आप अपनी सेना के साथ प्रवेश कर फिरंगियों पर आक्रमण कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं। हर हर! यही एक गुप्त रास्ता है जो महल के अंदर तक जाता है। कहाँ महारानी साहब? उठाओ इसे। हमें मशाल दो।
Go back. महारानी साहिबा, अभी भी समय है। आगे जाना खतरनाक हो सकता है। आप अधिक चिंतित मत होइए, बस वही करिए जो हम कह रहे हैं। आओ जल्दी। वो देखो प्रकाश, वो अवश्य हमारे महल के रसोई घर से आ रहा है। शीघ्र चलो। भाई साहब के संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। सारे सैनिक अच्छी तरीके से छिप जाओ, कोई नजर नहीं आना चाहिए। ये आवाज तो नगर की तरफ से आ रही है। हे भगवान, ये झांसी वाले एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? ये झांसी वासी नहीं, उनके भेष में छिपे हुए धूर्त फिरंगी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि फिरंगी गुप्त तरीके से नगर में प्रवेश कर गए। इन्हें इनका विनाश यहाँ खींच लाया है। ये आवाज तो हमारे नगर से आ रही है। लोग जी क्यों रहे हैं? कहीं कुछ नहीं, हमें शीघ्र वहां जाना होगा। हमारे साथ धोखा हुआ है। सुरंग के दोनों ओर के मार्ग बंद कर दिए गए। अवश्य हमारी योजना के बारे में इन धूर्त फिरंगियों को पता चल गया। हमें शीघ्र ही सुरंग से निकलना होगा। पर हम यहां से निकलेंगे कैसे महारानी? तो उस पत्थर को ईश्वर, हम तो पूरी तरह फंस गए। लगता है महारानी के साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। महारानी साहिब, इन धूर्त फिरंगियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इस सुरंग के दोनों ओर फिरंगियों की सेना है।
So, good news. Queen of Jhansi Rani Lakshmibai has been trapped in the tunnel.